हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में। आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पिसी हुई मसूर की दाल और दो आलू से हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैंने दो बड़े आकार के आलू को उबाल लिया है और ऐसे करके कट कर लिया है छुरी से। फिर मैंने 1 घंटे मसूर की दाल को अच्छे से भिगा दिया है और फिर इसको दिल को पीस लिया। इसको ऐसे पीसनी है, इसको ऐसे तैयार करना है। आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे बरबरी थोड़ी होनी चाहिए, अधिक महीन नहीं होनी चाहिए। अब जो आलू हमने उबाल के रख रखे हैं, इसमें हम इस दाल को डालेंगे। दाल को डालने के बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे आधी चम्मच, दो तीन कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक तरीके से काट लेंगे। अगर आपको स्पाइसी ना पसंद हो तो आप कम भी डाल सकते हो। फिर हम इसमें और सामान डालेंगे, जैसे कि भुना हुआ जीरा आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला। मैंने ये सब गोल्डी के लिए हैं, आप जिसके चाहें ले सकते हैं। मैं जो मसाले यूज़ करती हूँ सब गोल्डी के यूज़ करती हूँ। आधा चम्मच चाट मसाला, एक चुटकी हींग, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी हमने डाल दी कस्तूरी। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। उलट पुलट अच्छे से इसको ऐसे करके मिला लेंगे। पानी नहीं देना है क्योंकि दाल इतनी गीली पिस जा इतनी गीली नहीं है, लेकिन इतनी गीली होती है कि आलू उसमें अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। सारा मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस हमने ऑन कर दी है और कढ़ाई भी हमारी मैंने रख के उसमें तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तेल भी लगा दिया, तेल को भी बहुत अच्छे से गर्म कर दिया है। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे पकौड़ियाँ बना के, जैसा आप चाहें। आप कोई और शेप देना चाहें तो और दे सकते हैं, मैंने इस टाइप का शेप दे दिया है। इसको बोलते हैं मसूर की दाल के पकौड़ा। और ये ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट इसका बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पसंद आता है। ये वाला ब्रेकफास्ट खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पाइसी होते हैं। और इसको अच्छे से आपको हम तक खूब अच्छे से फ्राई करना है। पकौड़ी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और खूब अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब इनको हम निकाल, अब इनको निकाल देंगे। अब जो बची हुई पकौड़ी है उसको दूसरे स्टेप में ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे डाल के सारी फ्राई कर लेंगे। फिर से इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। बहुत अच्छी लगती है खाने में। जो दूसरी स्टेप की डाली थी वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। अब इनको भी निकाल लेते हैं। मसूर की दाल बिल्कुल बचा के रखें, इसे प्लेन पकौड़ी बनानी। इसमें डालेंगे हम भाजी मसाला, नमक थोड़ा सा, हरी मिर्च कट करके मैंने एक डाल दी है, बिल्कुल 1 चुटकी चिली फ्लेक्स, एक चुटकी हींग बिल्कुल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐसे
ऐसे करके इसको मिक्स कर लेंगे। अब चम्मच की सहायता से हम इसे कढ़ाई में डालेंगे गोल गोल बना के। ऐसे करके बिल्कुल गोल गोल बना लेंगे। इसको बोलते हैं मसूर की दाल के मगौड़ा। बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। मेरे बच्चे बहुत मन से खाते हैं। ये पकौड़ियाँ भी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, इनको भी मैं निकाल देती हूँ। बिल्कुल तैयार है, क्रिस्पी क्रिस्पी है। मेरी पकौड़ियाँ तैयार हैं, मंगौड़े भी तैयार हैं और ये ब्रेकफास्ट का हेल्दी नाश्ता है। अगर आज आपको मेरे मंगौड़े और मसूर दाल की और आलू की पकौड़ियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप इसे सॉस से भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी से भी खा सकते हैं, चाय से भी खा सकते हैं। और बना के बताइए, कमेंट जरूर करना और आप मुझे बताना कैसी बनी है। बाय, फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी के साथ।